तो अपने वो कृपा करेल और तब तक प्रियो को हम अनुमोदन करेगा। अवलत नहीं
अगर गलत ना है वहाँ की समय काटी जाए तो हमारा लीवर हटा दिया जाए। बहुत ध्यान और बहुत सारे लोग ठंडे चर्च में आने के लिए उनको कंटाळा जाता है। बहुत से लोग खो देते हैं, पालन नहीं करते। खूब सारे लोग हैं ऐसा
पालन कर परीक्षा भी मिल जाते परीक्षित पढ़ता इसीलिए उसके लिए भी प्रभु आगे बताया। प्राण तेरे तक विश्वासी है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। लिखा है विश्वास को रहना मरते दम तक मरना पड़ा तो मर जाओ लेकिन प्राण देने तक विश्वास नहीं होगा विश्वास नहीं रहा। दूसरा तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तीसरा पॉइंट हम पढ़ू 2:14 पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। हाँ बिलाम की शिक्षा क्या थी संसारी शिक्षा बिलाम की शिक्षा क्या थी संसारी शिक्षा थी देही थी और शैतानी आणि बिलामाचं शिक्षण काय होतं शारीरिक होतं आणि शैतानी होतं तीन प्रकारचं उसका शिक्षण था आणि तीन प्रकारचं त्याचं शिक्षण संसारी जगी अभी संसारी शिक्षण क्या बोलता है बाबा काय सांगतात देव देव करायचा और परमेश्वर परमेश्वर करणार पण हातपाय नाही चालवले काम नाही केलं तर कसं होणार म्हणून देवापेक्षाही काम मोठं आहे और हाथ पे नहीं चले काम नहीं करेगा तो कैसे होगा इससे परमेश्वर से भी बढ़कर काम है। अच्छा खुशी जो संसारी एक छोटा सा उदाहरण है और ऐसी बातें जो संसारी है शारीरिक शिक्षण शारीरिक शिक्षण अपने स्वतः से आपन कभी कभी आपका शिक्षण करो निभाऊ के दो और हमारे लिए क्या करते कभी कभी शिक्षा कर देते हैं अगर जैसे देवाचार नियम शास्त्रानुसार अपने चलाई है और जैसे परमेश्वर के नियम शास्त्र के अनुसार हमें चलना है आपको क्या करना है अपने आप जो देवी शिक्षण माला ही मुल आवड़े आता ही माझी माझ्या जातीची आहे हां माझ्या कोणमधली आहे काय नाही तिल्यानंतर मी ख्रिस्ती बनवेल असं म्हणून देहाला प्रसन्न करतात पण येशूला विचारतात का की मला असं करायचं आहे हे योग्य आहे का हे समजून मी करावं का ह्या गोष्टीसाठी ते विचारतात। माझ्या देहाला असं वाटतं की बाबा मी आज असं असं प्रचार करावा मी आज अशा अशा गोष्टी शिकवावी पण येशू बोललाय का देहाला ज्या गोष्टी आवडतात देहाला काय काय आवडतं शरीर को क्या क्या अच्छा लगता है देहाची वासना मोबाईल बघणं खूप मोबाईल बघणं गाण्याचे पिक्चर बघणं गाण्याचे व्हिडिओज बघणं गंदे पिक्चर देखणं गंदे व्हिडिओज देखणं हा रात्र दिवस टी व्ही चालू करायचा त्याच्या पुढे बसून राहणं टी व्ही चालू रात्री ही शरीर खूप अच्छा लागतात पण तुम्ही फक्त बायबल हातात घ्या पण आमचे बायबल हात मेलो देव कंटाळतो और शरीर खूप शरीर नाही कंटाळा थोड्यावेळी झोप यायला लागतो और एक दिवस नाही झाले देहाची वासना असते और शरीर की अभिलाषा देह कधी कधी गलत शिक्षण देतं और शरीर कभी कभी गलत शिक्षण दे देतं गेला ना चर्च ना वयाने चर्च ना 10:30 गेला तर काय होतं और 10:30 बजे गेला उसने क्या हुआ गेला असताना तुझा शब्द पालन झालं और गया ना तेरा शब्द पालन हुआ देह आपल्याला कॉम्प्रोमाइज करवतं और शरीर मध्ये कॉम्प्रोमाइज करवा चर्च मध्ये बऱ्याच जणांमध्ये बिलामाचे शिक्षण आहे और आज तरी ते बहुत सारे तरीके आहे बिलाम बिलामचं शिक्षण आणि जगी शैतानी शिक्षण और शैतानी शिक्षण प्रभूच्या देवीचे तर प्रभू असं नाही शिकवत पण दृश्य कधी कधी काही जणांच्या मनामध्ये गलत शिक्षण पण टाकून देतो और दृश्य कधी कधी मनुष्य के मन में गलत शिक्षण भी डाल देतात तर मग ह्या गोष्टी पाहिल्यात आल्या तर आणि दुसरं तिथे जार कर्म म्हणजे बऱ्याच अशा काही गोष्टी शिक्षणावर टाकत होतं हेही करू शकतो हेही करू शकतो जगाचं पण करायचं इकडचं पण करायचं हे असं शिक्षण बिलामाचं शिक्षण आहे। बऱ्याच मंडळांमध्ये अशा माणसं आणि देवाचे दासही करतात और संसार का भी करना है और परमेश्वर का भी करना है ऐसे ही बिलाम का शिक्षण था और बहुत सारी गलती से हमें पासवान ऐसे ही करते हैं अब आप मन मिला पश्चाताप करायला सांगितलं काय सांगितलंय पश्चाताप नाही केला तर मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा देव लड़ेल मग आपण देवाचं समजा मी अशी करते तर म्हणजे देवाची मी काय झाली और मैं ऐसा कहूँ माने शिकायत क्या हो गई परमेश्वर मुझे युद्ध भी करेगा और मेरे जो वही नहीं जाए क्योंकि मैं उनके शत्रु बने देव कुना से लड़ते हो शत्रु से परमेश्वर शत्रु से लड़ता है गलत शिक्षण ऐसा देव कभी ही स्वीकार करना नहीं स्वीकार करता और गलत शिक्षण का परमेश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करता उसको इनकार करता है। तीसरी गोष्ट अपन क्या गोष्टी साठी प्रार्थना करो और तीसरी बात अपने विषय के लिए प्रार्थना चौथी मंडली से तेने दोष सांगितलेले आहे म्हणजे विरोधात बोललेला आहे प्राप्त आहे की तू स्त्री इजबेल को रहने देता है। हा जन आपल्या जीवनामध्ये मंडळांमध्ये जाल करणं
विचार आला किंवा घाणेरड्या नजरेने बघणं, एकमेकांना वाईट नजरेने बघणं किंवा बाहेर लफडे ठेवणं, ख्रिस्तात येऊन सुद्धा चर्चमध्ये येऊन सुद्धा बाहेर लफडे ठेवणं, बाहेर संबंध ठेवणं बऱ्याच जणांशी, हे आजही मंडळांमध्ये येणारे लोक सिरियस नाही व्यविचाराच्या बाबतीत, सारधर्माच्या बाबतीत. और कलिसे में आने वाले तो व्यभिचार के मामले में सीरियस नहीं है. और लोगों को लगता है ये तो नेचुरल है, बाइबल अनुसार ये पाप है, पर बाइबल के अनुसार ये पाप है. मंडली देना रहने जात कर्मा पसंद लाभ असावे अलिप्त असावे. और कलिसे में आने वाले लोग व्यभिचार से दूर रहने से इजिबेल तशीस होती और इजिबेल ऐसी ही थी. खूब इजिबेल स्वतः जास्त एवरी दुनिया चाहती थी स्वतः स्वतंत्र होती और वो इजिबेल अपने आप को बहुत सजा दी है. आज तुम्ही मंडळांमध्ये बघितलं और अगर आज अपनी कलिसियाओं में देखा तो सगळ्यांचं इथं माकडाचा ढोंगा आहे. माकडाचं ढोंगा काय लाल आहे ना, तुम्हाला जगात आणि मंडळांमध्ये जरा बऱ्याच वाईटांचं ढोंगा इथं लाल झालेलं दिसत हे तर अशा लाल लाल ढोंग लावतात धार्मिक एवढी टाईट पॅन्ट, एवढंच टी शर्ट बोलल्यानंतर काही मी तर काहीच वाटत नाही. एक दुसरं म्हणते आज पॅन्ट पेंट घ्यायची का रविवार पॅन्ट नाही करणार, पॅन्ट पेंट नाही करतो लॉन्ग टी शर्ट लॉन्ग हे उपर का कुर्ता म्हणजे तुम्हाला पिछे का सेट दिलं नंतर काही येत नाही. नको येऊ रूल इज रूल. आज नाही बोला त्या म्हणून क्युकि आम्हाला या तो सब जेंट्स जरी भेटते आणि आपले ते सगळे पुरुष या साईडलाच बसतात तरी भेटते आणि असंच बसतं ते काय की खूप वैसे त्याच्याशी हो तसं पुरुष वैसे देखील तो म्हणजे देखील की बजाय बचत देखील म्हणजे वस्तू देखील सच आहे. हे आम्ही तो 5 रुपये ड्युटी आहे ना पण या दुसऱ्यांचं कर्तव्य घ्यायचं आम्हाला बता देतो नाही यार तुम्ही कोई बात कोई और प्रभु जगत प्रभु उसका घर भर देता है आणि जे त्याचं करतो है ना. एक अच्छा उदाहरण आहे हमारे पास मती अध्ययन में आणि चांगलं उदाहरण आहे मती अध्ययन मध्ये प्रभु ने जो देखा उसका घर खाली है आणि देवाने पाहिलं त्याचं घर खाली आहे. कृष्ण सेवको को भेज दिया त्याने सेवकांना पाठवलं घर भरून दिया आणि संपूर्ण घर भरून टाकलं. ते कभी भी मत सोचो मैं नहीं जाएगा तो चर्च में कुछ नहीं होगा, प्रभु बराबर उसका चर्च भर देता है. आणि कधी असा विचार करू नका मी चर्च मध्ये नाही गेलं तर काही नाही होणार, पण जितके घर भरून भरतो जितके आए हैं वो प्रभु के है इसीलिए आए प्रभु उनको लाए आणि जितके आले ते सगळे देवाचे आणि देवण त्यांना आणलं. इसीलिए व्यभिचार चर्च में बहुत होता है और ये इसके विषय में हम प्रेयर करेंगे आणि व्यभिचार जो जो होतो तो या विषयासाठी आपण प्रार्थना और भी उसमें एक और पॉइंट है मूर्तीला कारकुनीला नाही होते प्राणाने ते 14 होते आहे आता तुम तो 20 वाचले हाँ ते तर पण आहे पण और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर बनाती हैं. इंडे मूर्ति इंडे पण येतात आणि मूर्ती पूजा पण करतात. ह्या गोष्टी मंडळांमध्ये बऱ्याच मंडळांमध्ये समस्या लोक देव पाहत आहे त्याला विरोधात देव या विरोधात बोलतोय. और यहाँ पर भी आले हैं मूर्ति पूजा भी करते हैं कि सारी बातों को परमेश्वर उनका विरोध करता है. त्यालाही सांगितलं आलं आहे 21 वचन मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया. हाँ पश्चाताप करा 21 वचन दिले पश्चाताप करणं पार गरजेचे नाही केला पश्चाताप तर पुढे 22 देख मैं उसे रोगशय्या पर डालता हूँ. हाँ बिछाना पकड़वे आणि आता शेवटचा पॉइंट और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा. और ठा संकटात टाके जर चेंज नाही झाले तर देव दोष नंतर काय करायला सांगतो उठायला सांगतो नाही केलं तर पुढे शिक्षा कळलं.
परमेश्वर येशू मसीह ने दोष बताया आणि येशू ख्रिस्ताने दोष सांगितले. उसके बाद उस दोष से बाहर निकलने के लिए जरिया बताया, मतलब दोषामधून बाहेर निघण्यासाठी मार्ग सांगितला. और अगर नहीं किया, आणि जर नाही केलं तो शिक्षा फिक्स आहे. तो ये कितना हुआ? चार पांच. पांचवा हम देखेंगे तीन का एक. पांचवा हम वाचते हैं तीन से एक. सर्दिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की सात आत्माएं और सात तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ. तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ. चर्च में आने वाले लोग सब जिंदा कहलाते हालेलुया. उदाहरण के तौर पर दारू पीकर रस्ते में गिरा हुआ आदमी, दारू पी रस्ता से पड़ेगा, बीड़ी को मारने वाला आदमी, अरे बस्ती का मारने मरे हुए लोग बिगड़े लोग आते फिर व्यभिचार करने वाला मरा हुआ करने मेरा है. बताओ और बताओ कौन से लोग मरे हुए हैं? बाइबल न पढ़ने वाला मरा हुआ है, बाइबल न वाचने वाला, चर्च न आने वाला मरा हुआ है, चर्च पर न येणारा मेला, प्रार्थना न करने वाला मरा हुआ है, उसने तो सुसाइड कर लिया है, प्रार्थना न करना मेला है, वो तो खुद ही आत्महत्या किया, खुद को ही फांसी से टांगा दिया, और तेने स्वतः आत्महत्या केली. प्रार्थना न करना मतलब खुद से सुसाइड करना है, आणि प्रार्थना न करना म्हणजे स्वतः आत्महत्या करना. मरा हुआ है मेला है और कौन मरा हुआ है? आणि अजून कोण मेला आहे? मरा हुआ यानी जो संसारिक है, संसार में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ज्यादा संसार के लोगों में, संसार के पार्टियों में, संसार के लोगों में, संसार के मित्रों में ज्यादा फेलोशिप है, वो मरे हुए. अरे जगत लोगों जगत लोग ज्यादा संबंध आए तो उनको मेरे जाता. तो इसलिए कहता है आगे उसने वापस हमें बताया जागरूक होने के दूसरे वजह जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दूर कर. अगर जागरूक रवि क्या करने को बोला? जागने को बोला. तुम्हारा हुआ है ऊर्जा नहीं किया तो तीन बचा. इससे स्मरण करके तुमने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा. यदि तू जागरूक न रहेगा, हाँ तू अगर जागरूक नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा. हाँ किसके समान आएगा? चोर के समान. तो चोर के समान आया तो किसके लिए चोर के समान यीशु? मसीहों के लिए चोर के समान. फिर किसके लिए? अन्य जाति, मतलब वो व्यक्ति मरे हुए लोग कौन हो गए फिर? अनमेरी लोगों में कौन सा है? अन्य जाति. अन्य जाति आपको समझ में आया? इसीलिए तो हमें पांचवा पॉइंट करना है, जो चर्च में मरे हुए लोग हैं वो लोग जिंदा हो जाए. अरे चर्च में मेरी के दुकान ही नहीं जीवन तब. छठा पॉइंट हम देखेंगे, सारा पॉइंट आपको हम तीन का नौ पढ़ेंगे. तीन से नौ वर्ष है. तीन का नौ. देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं पर झूठ बोलते हैं. हाँ यार बपतिस्मा लिया है, चर्च में आते हैं, क्रिश्चियन बने हैं लेकिन झूठ पर झूठ बोलते हैं. आणि बपतिस्मा घेतलाय मंडळीमध्ये येतात पण खोट्यावर खोटा बोलतात. आणि झूठ बोलने वाल्यों को आज परमेश्वर विरोध में बात कर रहा है. आणि खोटं बोलण्याच्या विरोधात असते बोलतात. नाही चाहता मसीह सच्चा है, हम झूठे नहीं हो. आणि ख्रिस्त खरा आहे मग आपण खोटे असू नये अशी देवाची इच्छा आहे. इसके लिए परमेश्वर आगे कहता है तुझे क्या करना है? सच बोलना है कि मैंने तुझे प्यार किया है. आणि तुला खरं बोलायचं की तुला प्रेम केलेलं आहे. इसलिए धीरज सच्चाई और धीर में खड़ा रहना है. आणि खरेपणा आणि धीर याच्यामध्ये तू स्थिर राहा. अगर नहीं हुआ जर नाही झालं संसार में जो विपत्ती आएगी आणि जी जगात विपत्ती येईल उसमें तुम गिरोगे. संसार में क्या क्या विपत्ति है? जगत का ही विपत्ति आहे. मरी है, बीमारी है, अकाल है, गरीबी है ना, महंगाई है. महंगाई का तकलीफ होगा लोगों को. अरे महंगाई का त्रास भी होगा. बहुत लोगों को कोरोना हुआ, कुछ लोगों ने कोरोना था. उनकी दया बाबा आपको नहीं हुआ. देवाची दया आपल्याला नाही. ईश्वर के नाम को धन्यवाद. देवाच्या नावाचा धन्यवाद. तो ये सब
इससे गुजरना पड़ेगा आणि या सर्व परिस्थितीतून जावं लागेल. सबसे लास्ट सर्व शेवटचं आम्ही झुकतो. आम्ही सभी लोग बोलते हैं आणि आपण सर्व फोटो बोलते कुछ करने नहीं कर सकते. सातवा पॉइंट हम देखेंगे 3:15. मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म. भला होता है जो ठंडा या गर्म होता इसलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा ही लोग क्या है गुनगुने गुनगुने कैसे मालूम पड़ता है गुनगुने अरे कस मालूम पड़ता है ते कोमटा है. हाँ संसार का भी करते हैं जगत का भी करता है यीशु का भी करता है. इधर आने के बाद एक आने के बाद यीशु बाहर जाने के बाद अरे बाहर गिरा कर आज कौन सा दिन है आज वो आदमी का ठंडी पड़ने वाला है. हाँ जय चढ़ जाता इधर आके दिखाते हैं हम मसीह है और दाखोत फिर से आहार है अरे बाहर गिरा गुनगुने आणि घुमट आहे गुनगुने हे वो लोग जो गैर चर्च में लेट आते हैं आणि घुमट आहे ती लोक जे चर्च मध्ये उशीर येतात. गुनगुने हे जो बायबल नहीं पढ़ते आणि घुमट आहे ती लोक जे बायबल वाचत नाही. गुनगुने हे जो प्रार्थना नहीं करते अपने घर में फैमिली प्रेयर नहीं करते. आणि घुमट आहे ती लोक जे प्रार्थना करत नाही कोणत्या भी प्रार्थना करत नाही. गुनगुने हे जो क्षमा नहीं करते आणि घुमट आहे ती लोक जे क्षमा नहीं करते एक दूसरे को माफ नहीं करते एकमेकांना क्षमा नहीं करते. वचन सुनने के बाद जब क्षमा का वचन आता है हम बोलते हैं क्षमा करो तो लोग आग ऐसे बटाटे के जैसे खड़े लेके उसे देखते रहते लेकिन क्षमा नहीं करते कि हाँ करो मुझे इसमें इस व्यक्ति ने दुखाया मैं उसको माफ कर दूँगा. अरे क्षमा नहीं करके प्रभु यह व्यक्ति ने मेरा दुख वाले मेरा क्षमा कर दो उन्हें है वो अरे वो आ रहे हैं लोग इधर आ रहे हैं इधर लेकिन कर नहीं रहे जैसे बोला जा रहा है वैसे कर नहीं रहे. पर जैसे बोलने लगे जैसे कर रहे हैं. मैं भी फैमिली मीटिंग में भी बोला सब लोग ऐसा खड़े रहो ऐसा खड़े रहो कुछ लोगों ने नहीं किया. आणि फॅमिली मीटिंगला सांगितलं की काही लोकांनी असं करत असं तू काही लोकांनी केलं काही लोकांनी नाही हा बोलते कधी कधी मी भी बोलते चला सब लोग इस स्थिती से खड़े रहो सब लोग इसे क्योंकि उन्हें वैसा नहीं करवा देता है आणि त्यांना तसं करायचं नसतं गुणगुणे आणि ते कोमट आहे. क्यों क्योंकि वो जो बताया यहाँ से जो बताया जा रहा है वो कर नहीं आए आए गरम है इधर है लेकिन गुणगुणे आणि ते आले नाही पण ते गरम आहे पण ते कोमट आहे. प्रभू क्या बोलता है देव काय म्हणतो प्रभू कहत आहे कोमट आहे बोलला ना इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है मैं तुझे अपने दोस्त में से उगा है बड़े शिष्य आप पर गवर्स मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता. हाँ भला होता अभी तुझे चुनाव करना है जाना है तो जा संसार में हाँ सरकार का जगह कोई बात नहीं कई हरकत नहीं. जैसे एक अमीर आदमी यीशु के पास आया श्रीमंत व्यक्ति यीशु को बुलाया तो यीशु को बोला कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ मुझे स्वर्ग जाना है मैं स्वर्ग का वारिस होने के लिए उत्तम गुरु क्या करूँ. आणि स्वर्गाचा वारिस होण्यासाठी उत्तम गुरु मी काय करू. येशूने कहा तेरा जो कुछ है बेच दे. आणि येशू म्हणाले तुझ्याकडे जेवढं आहे सगळं दे गरीब वाट दे गरीबांना दे मेरे पीछे हो दे आणि माझ्या मागे चाल स्वर्ग जाएगा तू स्वर्गात जाशील. तो उदास हो गया तो उदास झाला. इतना अच्छा येशू के सामने ऐसा खड़ा था आणि एवढं चांगलं येशूचा उभा होता. येशू ऐसा खड़ा है आणि येशू उभा आहे ना जैसे सोचो उदाहरण के तौर पर खड़ी हो जाओ सोचो मैं येशू है आणि मी येशू आहे मी श्रीमंत आहे आणि मी श्रीमंत आहे आणि येशूचा सामने आज शैतान नाही ठीक है मैं प्रभु आपका साथ नहीं ले सकता लेकिन बता रही हूँ अभी ये मेरे पास आया अभी उदास हो गया तुम सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो गए सगा कर दी तुम माजा मांगे चाल तो उसको अच्छा नहीं लगा अंदाज कैसे होते हैं हंसने का नहीं होता है. और फिर वो उसके सामने से नहीं रोका ईश्वर तुझे ठंडा होना ही जाओ ठंडा तो ठंडा जाओ आणि थंड व्हायचं तर थंड हो लेकिन गरम बोला तर गरम आहे पण जर गरम व्हायचं तर गरम राहा गुणगुणा आणि कोमट होऊ नको गुणगुणा
कोमन कलीसिया में अपने भी चर्च में गुनगुने लोग है आणि आपले चर्च मध्ये कोमन लोग आहे जरूरी नहीं है कि अभी देखो ये मैं बता दूं जो हमने ये पॉइंट देखे एक गुनगुने और अहंकार 15वें वचन में अहंकार भी है तो अपने चर्च में भी सियोन के जो चर्च में गुनगुने भी है और अहंकारी भी है आणि सियोन चर्च मध्ये कोमन पण आहे आणि अहंकारी पण आहे शूर भी बोलते हैं होतेच बोलतो आपण सब लोग बहुत से लोग मरे हुए जीवन जी रहे खूब लोगों मेरे लिए जीवन करता है बहुत से लोग इजबेल के शिक्षण इजबेल के राज कर्म में व्यभिचार में फंसे हुए हैं खूब सारे लोग इजबेल सर के व्यभिचार में मुझे फंसते गए हैं यहाँ तक कि प्रियो जवान लोगों को भी जवान लड़कियाँ जवान लड़कों को भी फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स है जरूर बोला बोली नंबर गर्लफ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड होता है मित्र मित्र लेकिन जब जहाँ फ्रेंडशिप थोड़ी सी बढ़ जाती है मित्रता वाढते वहीं पर गड़बड़ी होता है जिसे गड़बड़ी होते हैं ये न होने के लिए लड़कों ने लड़कों से ही फ्रेंडशिप करो लड़कियों ने लड़की से फ्रेंडशिप करो तो ये पाप से बचे आणि न होण्यासाठी मुलांनी मुलांची मित्रता ठेवायची आणि मुलींनी मुलींची मित्रता ठेवायची मला सांगा आगीच्या जवळ मेन गेलं काय होईल और मुझे बताओ आगके सामने मेणबत्ती काय होईल पितळते मेणबत्ती अगर आग के सामने गया ना तो क्या हो जाएगा वो पेलेगी बराबर है वैसे ही है ना आप सब मेणबत्ती हो और सारी स्त्रियां सारी लड़कियां आग है जरूर स्त्रियां मुझे आग है इसलिए आप जितने उसके आगे जाओगे जरूर तुम्हें जैसे थोड़ा जान भी नजर जाओ अंदर निर्भर हो जाए इसलिए तो मेरे घर से यही वचन तीन नहीं तो छे दोनों में से एक अध्याय में लिखा है उनके बीच में कि तू स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाएगा आणि स्त्रीच्या एकदम चिकना चुपड़ा गोष्टी मध्ये तू फसून जाशील ना तो स्त्री बड़ी प्यार से बोलती है आणि स्त्री को प्रेम आपने भाई से नहीं बोलेगी यार आणि स्वतःच्या भावाशी एवढ्या प्रेमाने राधा भाई जेवणार का खाना खायला ते ए जेवशील का बरोबर आलास ना तोंडात पाहिजे आणि तीच मुलगी ही स्त्री मुलाशी आपल्या फ्रेंडशी कशी बोलते और अपने दोस्त से कैसे बात करती है हेलो खाना खाया मैंने भी खाया अभी आया मुंह हाथ पाँव धो ले कितनी प्रेम से बोलते और कितना प्यार से बात करती है मतलब मामूला ना क्या बैठो और लड़कों को क्या लगता है मेरी बोल बोलते और वो कितना प्यार से बात करते हैं और इसलिए तो फस जाते म्हणून कधी पण आहे ना आधी पासून माणसांनी पळा असं सांगितलेलं आहे पळायचं म्हणून कधी पण आहे ना पुरुषांनी काय करायचं बायकांपासून मुलींपासून सदैव लांब राहायचं और कभी भी पुरुषों ने और लड़कों ने स्त्रियों से और लड़कियों से दूर रहना तुमने आगे का स्पर्श कराया ध्यान में और अभी आप हम आपको चुनेगी ने अपने आप एक चिंता की ऐसी है ना रचल स्पार्टी और एक तिंगी आएगी इसी मुझे हाँ तो फिर तिंगी तिंगी तुम्हें उड़ा तुम्हें क्या करा लाम जाना और आपके घर भी दूर जाओगे मन तसस है ना तो वैसे ही है तसस तुम्हारा पन क्या कहले भाई मुंगी मुलगी स्पर्श कराए लाली मुंगी भाई स्पर्श कराए ए भाई लामो लामो दो थोड़ा सा लामो वो ताई जरा लाम हुआ वो मावशी जरा लाम हुआ वो काकी जरा लाम हुआ वो वहीनी लामो बोला अरे तुम तो आज आए ना लामो आज जी पुरुष लग्न करत नाही और जो पुरुष शादी नहीं करते ते खास त्या गोष्टी पासून स्वतःला वाचवतात और वो खास इन्हीं बातों से अपने आप को बचा लेते पौला ने लग्न केलं नाही पौलू ने शादी नहीं की पौलू चर्च मध्ये येणाऱ्या मंडळांमध्ये सर्व मुलींना बायांना तो रिस्पेक्ट देऊन लांब डिस्टन्स ठेवून त्यांच्याशी बोलायचा और पौलुस कलीसिया में आने वाली सारी स्त्रियों से और लड़कियों से आदर के साथ बात करना था और उनके उनके और उसके बीच में अंतर रखना था इजबेल आगे इजबेल बिलामचा शिक्षण बिलामचा शिक्षण मी आणि शिकवत त्यांची दया करणे जी दया पण काय नाही लोकांच्या मनात काही असं असेल बाबा ज्याला आपण हे पण करू हे पण करू अशा आपल्या मर्जीने करू ते सहा नियम कष्ट त्रास परीक्षा आहे आपल्या घरांच्या घरामध्ये आणि बऱ्याच जणांनी पहिलं प्रेम सोडलेलं आहे और बहुत से लोगों ने अपना पहला प्यार छोड़ दिया है सहाव्याचं जे त्याचं उत्तर दिले आहे की प्रार्थना करा और चंद्री का उत्तर दिया है प्रार्थना करो कोण कोमट आहेस गुणगुण आहे आणि तुला ते काय केलं पाहिजे त्यासाठी तुला प्रार्थना केली पाहिजे और तुझे उस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए जर तू नाही केलीस अगर तुला नाही की हा तर तिथे लिहिलेलं आहे 19व्या वचनावर और 19वे वचन लिहिलं कडक प्रेमी लिहिलेलं आहे मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ सबको उलाना और ताना देता हूँ मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ
मी काय करतो त्यांचा निषेध करून त्यांना शिक्षा करतो. हे येशूचे शब्द आहेत. बऱ्याच जणांच्या मेंटॅलिटीमध्ये असं बसलेलं आहे की येशू मारणार नाही मला, येशू मारणार नाही. और बहुत से लोगों के मन में ऐसा बैठा है कि येशू मुझे मारेगा नहीं. वचन हो गया काही नाही, शॉर्ट मध्ये शिकले कारण ऑलरेडी टाइम गेलाय ना. शॉर्ट मध्ये शिकावते. ठीक आहे, तर आपण उभे राहू, मग खडे होऊ जायचे आणि आपण आपले दोन्ही हात उभे राहू, आपले दोन्ही हात उभे उठायगे. मिलकर की एक प्रार्थना परमेश्वर सुनता है. और आज हम उपवास प्रार्थना में आए थे तो इसलिए हमें उपवास में हमारे मुंह से प्रार्थना होनी ही चाहिए. आणि म्हणून केली प्रार्थना देव ऐकू म्हणता आपण उपवास करायला तर उपवासामध्ये म्हणून प्रार्थना चालेल पाहिजे. इथे आम्ही दोन्ही हात उठायगे, आगो को बंद करेंगे और अपने अपने जगह पर हम प्रार्थना करेंगे. आपले दोन्ही हात उंच करून डोळे बंद करून आपण अपने ठिकाणी आपण प्रार्थना करू. चर्च में जितने लोग प्रेम प्रभु को करना छोड़ दिया है उनके हृदय में परमेश्वर प्रेम दे. वो फिर से पहले के जैसे प्रभु को प्यार करने लगे और पहले जैसा प्रभु को बहुत निकट आ जाए पहला जैसा और अपना आत्मा नहीं गवाए. उनका जो स्थान है चर्च का वो हट नहीं जाए, नरक नहीं जाए. इसलिए हम सब भाई बहनों के लिए प्रभु जानता है उनको, हम सिर्फ सारे हमारे भाई बहन बोलकर प्रेयर करें. ओ धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी विचार प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते सियोन गली से आपकी प्रभु. और आप इसके विरोध में बात किया है. आज भी सियोन चर्च में ऐसे कितने लोग हैं जो अपना पहला सा प्यार खो दिया है प्रभु, पहला सा प्यार करना छोड़ दिया है और उन्हें उस बात का एहसास भी नहीं है. इसलिए प्रभु उनको सरगम कर, उन्हें उठा और उन्हें पहला सा प्यार करने के लिए मदद कर. तू तो प्यार है प्रभु, प्यार तुझी में है. इसलिए इनका प्यार जो उसने चोरी किया अब वापस उसमें प्यार भर दे प्रभु, ताकि वो पूरे मन से पूरी बुद्धि से पूरी शक्ति से पूरे ताकत से पूरे अपने प्राण से वो आपको प्यार कर सके प्रभु, और खुद को भी और अपने पड़ोसियों को भी प्रभु. इसलिए सहायता कर मेरे मान को इंद्र मिला. आप जानते हो आप तो सच्चे चरवाहा हो. इस गली से अगर चरवाहा कौन है? आप हो. ये सच्चा चरवाहा आप हो प्रभु. और ये सब जो चर्च में आती है भेड़े वो आपकी भेड़े है और वो भी इस संसार में फसल गई है, इस संसार में खो गई है. आप उन्हें ढूंढ निकालो प्रभु. ये मेरी विनती मेरी प्रार्थना है प्रभु. सहायता करो, ये हमारी खास विनती है प्रभु. आप हमारी प्रार्थना सुने और हम विश्वास करते हैं कि हमने जिन जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना की है वो फिर से सरगम हो गए, पहला सा प्यार प्रभु अपने करेंगे और वो अपना स्थान इस जगह से सियोन से क्या आपके राज्य से बाहर नहीं जाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, वो बने रहेंगे प्रभु. ये हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम से. आमीन. अब प्रार्थना करेंगे जितने लोगों के